third lecture of environmental studies, third chapter water pollution. जैसे कि हमने last lecture में discuss किया था कि dissolved oxygen के बारे में, और हम आगे discuss कर रहे हैं concept of BOD, यानी कि biochemical oxygen demand या biological oxygen demand. तो इसकी आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, क्योंकि जो है हमारा जो है पानी जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो जाता है, तो उनमें से जितना भी बैक्टीरिया वगैरह निकालने के लिए तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत पड़ती है. ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि बायो बीओडी डिमांड. ठीक है, बायोकेमिकल या बायो ऑक्सीजन, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. तो क्या होती है ये, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, या ऐसे लिख सकते हैं डिटरमिनेशन ऑफ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड of biological oxygen demand in polluted water, wastewater.
wastewater. In wastewater is known as इसका जो है प्रोसेस क्या रहता है प्रोसीजर, ठीक है। तो ये था बीओडी। द नेक्स्ट आ गया अपना कॉन्सेप्ट ऑफ सीओडी। क्या होते हैं केमिकल ऑक्सीजन? द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज organic matter present in water sample by means of a strength chemical oxidizing agent. Strength chemical oxidize
sensitizing agents. Rising agents is called chemical oxygen demand. तो जो मात्रा में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसमें जो है ऑक्सीजन के जो है ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए, ठीक है, जो कि पानी के अंदर मौजूद रहते हैं, ठीक है, वाटर सैंपल लिया जाता है, तो जो मेन चल रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो है केमिकल की जितनी भी स्ट्रेंथ होती है ऑक्सीडाइजिंग उसके अंदर जो मिला करके पानी के अंदर, तो वो जो बबल से उठते हैं या जितने भी उसके अंदर घुलनशील हो करके, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहलाता है, ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड और सीओडी determine the quantity of pollution. यानी कि वाटर हमारा कितना साफ रहता है, ठीक है, तो जो हमारा वाटर क्वालिटी कितनी रखी जाती है, ठीक है, कि जो कितने मात्रा में हमारे पानी शुद्ध रह सकता है, कितने परसेंटेज, ठीक है, अगर बीओडी लेवल कितना परसेंटेज हम डालते हैं, ठीक है,
से 2% रखते हैं तो वेरी गुड, वाटर क्वालिटी क्या रहती है, बहुत बढ़िया रहती है, नॉट बी मच ऑर्गेनिक वेस्ट, प्रेजेंट इन वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई ठीक है, अगर 3 से 5% तक हम वाइट अंकल ऑक्सीजन डिमांड में उसके जो है कण मिला दिए जाते तो फेयर ना ही ज्यादा बढ़िया ना ही ज्यादा घटिया, ठीक है, मॉडरेट क्लीन यानी कि वो साफ रहता है, मॉडरेटली क्लीन ठीक है। नंबर थर्ड आ गया 69 पे, अगर 69% इसमें मिला दिया जाए तो क्या रहती है, पुअर, somewhat polluted indicate organic matter, indicate organic matter is present and bacteria and bacteria are decomposing this dust. तो बहुत अच्छे जो है उसके अंदर जो है ऑर्गेनिक वेस्ट जो है प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो जो अगर 1 से 2% तक ये मिलता है वीओडी लेवल ठीक है, अगर 3 से 5% तक रहता है तो बीच बीच में ठीक है, कुछ मिनसिल होता है कुछ यानी मॉडरेटली कुछ साफ रहता है ठीक है, फेयर रहता है, 69 पे पुअर रहता है, बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं ठीक है, उसके जो बैक्टीरिया वगैरह जितना भी साफ सुथरा रह जाता है। तो ये था अपने बीओडी और सीओडी के बारे में ठीक है। तो नेक्स्ट हम करेंगे कि वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस के बारे में, तो ये था कि क्वालिटी कितनी रह जाती है ठीक है, वाटर की क्वालिटी जो है
वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस क्या होता है? वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस तो द प्रोसेस कैरिड आउट द पोल्यूटेड वाटर टू मेक द इट ठीक है यूजुअल यूजेबल फॉर द पर्पस ठीक है जो पानी को जो है पीने योग्य है या उससे जो है ठीक है पीने योग्य है या यूज करने योग्य है या प्रयोग करने योग्य बनाता है तो वो क्या कहलाता है वाटर ट्रीटमेंट कहलाता है ठीक है तो इसका प्रोसेस क्या रहता है तो ये सबसे पहले आता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट फिर सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट फिर टर्टियरी या एडवांस ट्रीटमेंट तो सबसे पहले आता है वाटर ट्रीटमेंट क्या है ठीक है द प्रोसेस कैरिड आउट ऑन वाटर ट्रीटमेंट क्या कहलाता है जो प्रयोग करने के पर्पस से जो है उसको जो है बनाया जा सके ठीक है पोल्यूटेड वाटर को जो है उसे साफ किया जा सके तो वो क्या कहलाता है वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस कहलाता है तो वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस डिपेंड अपॉन तो ये चार प्रकार की जो है ट्रीटमेंट जो है कि वेस्ट वाटर का जो है वाटर के प्रोसेस को जो है क्लीन करने के लिए या उसको जो है साफ करने के लिए या उसे जब किसी यूज या यूज के लायक या प्रयोग के लायक बनाने के लिए जो है हमें
बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट क्या है और प्राइमरी ट्रीटमेंट के बारे में और सेकेंडरी और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बारे में और टर्शियरी या एडवांस ट्रीटमेंट के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत